हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे सिंगल फेज AVR होता है उसको हम थ्री फेज AVR में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो होता है, जैसे सिंगल फेज में ये जो है R और Y जो दो फेज होता है, ये एक वायर के द्वारा जो है इसको लूप कर दिया जाता है, तब ये जो है सिंगल फेज होता है। अगर हमको इसको जो है अगर इसको थ्री फेज में कन्वर्ट करना होगा तो ये हम आगे दिखाएंगे कि ये जो R और Y जो वायर लूप होता है उसको हम हटा देते हैं। अब ये देखिए, जब हम हटा देते हैं तो इस तरह से जो है फिर ये हमारा AVR जो है थ्री फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे F प्लस और F माइनस जो है हमारा एक्साइटर रोटर से जो हुआ दो वायर आते हैं वो इस पर लगता है, और जैसे जब जो हमारा सिंगल फेज था उसको उसके लूप को जब हम आर वाई को हटा देते हैं तो ये हमारा फ्री हो जाता है। तो इसमें जो अल्टरनेटर जो थ्री फेज वायर आते हैं उसमें जो है आर और वाई को जो है एक एक वायर जो है इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, और न्यूट्रल में जो है हम न्यूट्रल को फिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है सिंगल फेज AVR को जो है थ्री फेज AVR में जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं।